नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। फारबिसगंज एवं जोगबनी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए लूटकांड में मास्टरमाइंड पेशेवर बदमाश शिवम चौरसिया पिता योगानंद भगत खैरखा निवासी को पूर्णिया के कस्बा से लूटे गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश से गहन पूछताछ की जा रही है। डीएसपी ने बताया, गिरफ्तार शिवम विगत 12 मार्च को अमहारा में फाइनेंस कर्मी से 71,058 रुपए की लूट मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें शिवम चौरसिया को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया, शिवम रानीगंज में भी लूटकांड में मामले में शामिल है। पुलिस ने उसके पास से लूटे गए मोबाइल को भी बरामद किया। इस छापेमारी अभियान में फारबिसगंज थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु, जोगबनी थानाध्यक्ष आफ्ताब आलम, सनी परवेज अहमद सहित अन्य शामिल थे। शिवम चौरसिया जी हैं, जिनको कि हम लोग बहुत दिनों से खोज रहे थे और इनके कई कांडों में तलाश थी। हाल में आपने सुना होगा कि रानीगंज में जो लूट का 11 लाख का लूट हुआ था, उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके पूर्व में 2020 में जोगबनी में भी एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें लूट का मोबाइल का प्रयोग इनके द्वारा किया जा रहा था। लूटे गए मोबाइल को इनके पास से बरामद किया गया है। अन्य भी घटना जो है, फारबिसगंज थाना कांड संख्या 188 जो बैंक के कर्मी को लूट लिया गया था नहर पर, जिसमें पूर्व में अन्य अपराधी गिरफ्तार हुए और जेल गए हैं। ये छुप करके उसके बाद से अन्यत्र भाग करके यत्र तत्र भागे फिर गए थे, जिनको कि जो वनी थाना और फारबिसगंज थाना दोनों के संयुक्त ऑपरेशन से किया गया है। तत्काल हमारे अनुमंडल में 3 केस वे वांटेड थे और 1 केस रानीगंज का है। ये अपराधियों के संरक्षण, आर्म्स उपलब्ध कराना, सूचना देना और अपराध साथ में करना, ये पेशेवर अपराध कर्मी का रूप ले चुके हैं, जिसको आज दो टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कहाँ से गिरफ्तार हुए सर? हम लोग पूर्णिया के पास में ये रह छुप के रह रहा था, वहाँ से लूटे गए मोबाइल के साथ बरामद हुआ है।